हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ग्रेट एपिसोड ऑफ 7 PM। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, शाम के बच्चों के साथ और अभी एज यूजुअल अभी हमारा टाइम हो चुका है आज का रिव्यू करने का। तो चले फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का रिव्यू। तो फ्रेंड्स, आज का रिव्यू है टैग प्रीमियम स्ट्रांग बियर। जी हाँ फ्रेंड्स, टैग सुपर प्रीमियम स्ट्रांग बियर। ये एक फ्रेंड्स एक लोकल बियर है कि जो सिर्फ दमन में ही आप लोगों को मिल जाने वाली है। इसका और एक वर्जन आता है, लाइट वर्जन, जिसका भी रिव्यू बहुत ही जल्द 7 PM चैनल पे अवेलेबल आप लोगों को हो जाने वाला है। चैनल पे अगर जो नए हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो। आप लोग फ्रेंड्स 7 PM के सारे वीडियोज़ को चेकआउट कर रहे हो, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है फ्रेंड्स कि आप लोग जो है के चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और जो वीडियोज़ को फ्रेंड्स आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो। तो एक फ्रेंड्स एक मेरा जनरल रिक्वेस्ट है कि ये चैनल जब हमने बनाया था तब तब से इसका जो एक आउटकम है फ्रेंड्स वो हमको नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि अगर जो पब्लिक का रिस्पांस नहीं मिला और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स हम लोग अभी सोच रहे हैं कि भी तो चैनल ही क्लोज करने का सोच रहे हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोज़ टू मोटिवेट अस। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का रिव्यू। तो फ्रेंड्स आज का रिव्यू है टैग प्रीमियम सुपर स्ट्रांग बियर। ये एक फ्रेंड्स लोकल बियर है कि जो सिर्फ दमन में अवेलेबल है और इसका जो बॉटलिंग है वो भी फ्रेंड्स दमन में ही होता है और बार ये मुंबई में शायद ही अवेलेबल होगी, पर दमन और ये मुंबई उसके आगे ये फ्रेंड्स आप लोगों को ये बियर ना ही आपने को देखने को मिलने वाली है ना ही फ्रेंड्स सुनने को मिलने वाली है। इसका और एक वर्जन आता है लाइट वर्जन, जिसका भी रिव्यू बहुत ही जल्द 7 PM चैनल पे हो जाने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का रिव्यू। तो फ्रेंड्स ये है ब्लॉसम की तरफ से टैग सुपर स्ट्रांग बियर। इसकी अगर जो बॉटलिंग की अगर जो बात की जाए तो फ्रेंड्स ये कैंड हुआ है ब्लॉसम जो ब्रूवरी है कि जो नानी दमन में सिचुएटेड है वहाँ पे फ्रेंड्स ये कैंड हुआ है। और इसकी अगर जो कंटेंट्स की अगर जो बात की जाए तो फ्रेंड्स इसमें है वाटर, माल्टेड बार्ले, शुगर, राइस, CO2, इथाइल अल्कोहल, हॉप्स, ईस्ट एंड कंटेंट्स परमिटेड नेचुरल कलर 150C। तो फ्रेंड्स इसमें एडेड कलर है फ्लेवर, तो ऑब्वियसली इसमें जो हॉप्स और ईस्ट का जो फ्लेवर होता है फ्रेंड्स वही आप लोगों को मिल जाने वाला है। और ये फ्रेंड्स ये 500 ml का कैन है, 500 ml का कैन है फ्रेंड्स ये। और इसकी अगर जो प्राइस की अगर जो बात की जाए तो अभी ये दमन में आप लोगों को मिल जाने वाला है 65 rupees में। जी हाँ फ्रेंड्स, 65 rupees में आपको ये टैग का पूरे का पूरा कैन 500 ml का फ्रेंड्स आप लोगों को ये मिल जाने वाला है। अल्कोहल कंटेंट की अगर जो बात की जाए तो फ्रेंड्स इसमें 8% का अल्कोहल है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जो कि क्लेम किया गया है कि नॉट एक्सीड मीन्स 8% से ज़्यादा नहीं, मतलब इसमें फ्रेंड्स ज़्यादा ज़्यादा जो अल्कोहल का जो कॉन्सेंट्रेशन है फ्रेंड्स वो 8% से ज़्यादा नहीं होगा। और कैन की अगर जो बात की जाए तो और कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, सब डिज़ाइन ही है, पैटर्न ही है इस पर। और प्राइस मैंने आपको बता दिया, कहीं पे भी फ्रेंड्स ये अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ये दमन में ही अवेलेबल है। और इसका जो प्लांट है ऐसा मुझे पता चला है कि ये जो प्लांट जो मेंशन किया गया है वहाँ पे भी ये भी नहीं बन रही है, ये अभी कोई दूसरे ही प्लांट में बन रही है दमन में जो सिचुएटेड है। और इसका डिटेल रिव्यू भी फ्रेंड्स मेरे चैनल 7 PM पे आप लोगों को मिल जाने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले इस बियर को अपने इसको ही पोर करके देख लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अभी ये जो बियर का जो सेलिंग है फ्रेंड्स ये दमन में बहुत ही अभी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये लोगों ने क्या किया है कि एक प्रीमियम स्ट्रांग बियर का एक जो सेगमेंट है दमन में कि जो 80-85 में मिलता है आपको, जिसके बडवाइज़र हुआ या काजबग हुआ या ट्यूबग हुआ या बडवाइज़र मैग्नम हुआ, तो वो आपको 85 की रेंज में मिल जाता है। पर ये लोगों ने क्या किया है फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी ऐसी बनाई है कि 10-20 rupees इसका जो प्राइस है फ्रेंड्स वो ये लोगों ने कम रखा है। तो ये लोगों ने प्राइस ऐसा रखा हुआ है कि 65 में कोई भी 10-20 rupees का लेस जो मार्जिन लेके इसको सेल आउट करने का ये लोगों ने ट्राई किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसको अपने एक बॉटल में पोर करके देखते हैं। ये फ्रेंड्स अभी ये सबसे ज़्यादा डिमांड में चल रहा है ये बियर, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत बढ़िया है। इसका मैंने 6 का पैलेट फ्रेंड्स मैंने मंगवाया था, तो 4 तो एक्चुअली मैं पी चुका हूँ,
लास्ट अभी ये सैटरडे को ही, तो भी दो कैन बचे, तो फिर मैं सोचा कि इसका रिव्यू कर देता हूँ, नहीं तो ये भी नहीं बच पाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बियर हम लोगों ने अभी पोर कर दिए ग्लास में, और आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो फजीनस है, इसका जो फिजीनस है फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा है, और एक जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो जो बबल्स आ रहा है फ्रेंड्स, वो भी बहुत ही शानदार आ रहा है। और अगर जो कलर की बात की जाए तो फ्रेंड्स, एक गोल्डन कलर का फ्रेंड्स ये बियर है, और थोड़ा सा ये लेटर साइड पे आता है। ज़्यादातर जो स्ट्रांग बियर जो होते हैं फ्रेंड्स, वो ज़्यादातर थोड़ा सा ये डार्कर साइड पे आते हैं, पर ये जो बियर का कलर है फ्रेंड्स, ये बहुत ही लाइट कलर है। और ये ऐसे तो फ्रेंड्स मेरे को ये लाइट बियर ही मेरे को फील हो रही है, क्योंकि इसमें जो अल्कोहल का जो कॉन्सेंट्रेशन है फ्रेंड्स, वो भी सिर्फ 8% ही है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ये लाइटर साइड पर ही अपने को परफॉर्म देने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको सिप करके देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस बियर को फ्रेंड्स मैं एक मीट सेगमेंट में रखना चाहूँगा। मीट सेगमेंट में इसलिए क्योंकि जो बडवाइजर है या कार्ल्सबर्ग है, वो 85 में आप लोगों को अवेलेबल है, पर आफ्टर टेस्ट जो है फ्रेंड्स उसका, वो फ्रेंड्स कभी भी कड़वा आप लोगों को फील नहीं होता। पर ये जो 65 में ये जो बियर है फ्रेंड्स, ये भले ये क्लेम कर रही हो कि एक प्रीमियम स्ट्रांग बियर है, पर इसमें थोड़ा सा एक जो हॉप्स का एक जो टेस्ट होता है, एक जो कसेला एक जो टेस्ट होता है फ्रेंड्स, वो आप लोगों को फील हो जाने वाला है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोगों को किंग फिशर में आप लोगों को मिलता है एक कसेला टेस्ट हॉप्स का, और एक सिर्फ फ्रेंड्स इसका लेके देखना चाहेंगे। अलग सा फ्रेंड्स इसमें फ्लेवर जो है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें अलग है, थोड़ा सा इसमें स्पाइसेस का या हर्ब्स का मुझे इसमें फ्लेवरिंग भी आ रहा है और स्मेल भी आ रहा है। जब आप इसका एक सिप लेते हो फ्रेंड्स, तो भी आपको फील होगा कि इसमें स्पाइसेस या हर्ब्स जैसा भी कुछ भी ऐड किया गया है। स्ट्रांगनेस की जो बात की जाए तो अल्कोहल का पंच फ्रेंड्स इसमें ज़रा भी फील नहीं होने वाला फ्रेंड्स, और पूरे का पूरा जो बियर है वो ऑलमोस्ट ये लाइट बियर ही फ्रेंड मुझे तो लगा। एक पोर करने के बाद एक इसका जो फिजीनेस है और CO2 का जो बबल है फ्रेंड्स, वो ज़रा भी फ्रेंड्स आप लोगों को पैलेट पे फील नहीं होता। एक जो स्पार्किंग जो इफेक्ट होता है बियर का, वो आपके पैलेट पे ज़रा फील नहीं होता फ्रेंड्स आपके पैलेट पे। और जहाँ तक इसकी जो स्ट्रांगनेस की अगर जो बात की जाए तो फ्रेंड्स, इसको मैं स्ट्रांग बियर नहीं कंसिडर करना चाहता, क्योंकि सिर्फ 8% का अल्कोहल है इसमें, जबकि आप बडवाइजर में चला जाओ या कार्ल्सबर्ग में चला जाओ या ट्यूबॉक में चला जाओ, आराम से फ्रेंड्स आपको 12% का अल्कोहल वॉल्यूम फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाने वाला है। और 8% अल्कोहल में क्लेम करना कि एक सुपर स्ट्रांग बियर है, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और इसका मैंने 2 सिप लिया और इसके 4 कैन ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं ख़त्म कर चुका हूँ लास्ट सैटरडे को। तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज सा ही है फ्रेंड्स, इतना आपको पंच नहीं मिलने वाला। और जो बियर का एक जो कसेला टेस्ट है, वो भी फ्रेंड्स थोड़ा बहुत आप लोगों को मिल जाने वाला, थोड़ा बहुत ये स्पाइसेस आप लोगों को फील कराने वाला है एट द बिगिनिंग, बट जो एंड है, एंड पे जो पैलेट है वो थोड़ा सा ये कसेला फ्रेंड्स आपके पैलेट पे ये टेस्ट ये छोड़ के जाने वाला है। लास्ट सैटरडे इसके मैंने जो 4 कैन जो कंज्यूम किए थे फ्रेंड्स, तो उसमें फ्रेंड्स मुझे ज़रा भी नशा नहीं हुआ था, क्योंकि 8% का अल्कोहल और कोई भी इसमें जो क्रिस्पीनेस नहीं है, अल्कोहल का पंच भी नहीं है फ्रेंड्स। तो मुझे तो फ्रेंड्स ये बियर इतना कुछ इम्प्रेस नहीं कर पाया फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो परफॉर्म करती है वो एकदम ये लेटर साइड पे आता है, जबकि ये क्लेम करता है कि एक सुपर स्ट्रांग बियर है, पर ऐसा नहीं फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक लाइट बियर है। इसका कलर देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को मैंने बता दिया था कि ये थोड़ा सा ये लेटर साइड पे आ जाने वाला है। और इसका जो परफॉर्मेंस की जो बात की जाए तो फ्रेंड्स, इसको ज़रा भी फ्रेंड्स आपको मैं कंसिडर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स चाहे भले आप लोग दमन में बैठे हो और ये 65 में आप लोगों को अवेलेबल हो जाने वाली हो, पर मैं ऐसा कंसिडर करना चाहूँगा कि फ्रेंड्स इसी 65 में आप 10-20 रुपये आप ज़्यादा डाल दो, तो बहुत सारे अच्छे ऑप्शन फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाने वाले, जैसे कि है बडवाइजर मैग्नम है, कार्ल्सबर्ग हुआ, एलिफेंट हुआ, ट्यूबॉग हुआ, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स
जो आप लोगों को मिल जाने वाला है 65 to 85 की रेंज में हियर इन दमन। तो मेरे ख्याल से उसमें 10 या 20 रुपये ऐड करके मेरे ख्याल से आप लोग दूसरे जो बियर है उसको फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर से कंसिडर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स रेटिंग की अगर जो बात की जाए तो फ्रेंड्स इसको मैं देना चाहूँगा 4 out of 10 रेटिंग फ्रेंड्स, क्योंकि 4 इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि इसका जो प्राइस है फ्रेंड्स वो बहुत ही सस्ता है। 65 में आप लोगों को एक 500 ml का पूरा कैन आप लोगों को मिल जाने वाला है, विच इज़ क्वाइट गुड। तो प्राइस के हिसाब से अगर जो देखा जाए तो इसका पॉइंट पूरे के पूरे बनते हैं, पर जब आप इसको पीते हो और जब फिर ये जो परफॉर्म करती है तभी आप लोगों को फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा एक टाइप से निराशा होने वाली, क्योंकि ना इसमें स्मेल है ना टेस्ट है ना ही जो अल्कोहल का जो पंच है, और लास्ट में पैलेट पे एक असला टेस्ट भी फ्रेंड्स ये बियर छोड़ के जाती है, जो कि थोड़ा बहुत कम ही है, पर बडवाइजर के मुकाबले, कार्ल्सबर्ग के मुकाबले और ट्यूबर्ग के मुकाबले फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा एक कसेला टेस्ट फ्रेंड्स ये छोड़ के जाती है ये बियर आपके पैलेट पे। तो फ्रेंड्स वैल्यू फॉर मनी की अगर जो बात की जाए तो इसमें फ्रेंड्स सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप दमन में आ रहे हो और ये टैग बियर अगर आपको कहीं पे दिख जाए तो उसमें 10-20 रुपया और डाल के बडवाइजर ले लो या कार्ल्सबर्ग ले लो या ट्यूबर्ग ले लो फ्रेंड्स, वही आपको एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला है। तो फ्रेंड्स ये था आज का रिव्यू टैग प्रीमियम सुपर स्ट्रॉन्ग बियर का। आपको ये रिव्यू कैसा लगा फ्रेंड्स प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक आर वीडियो। आप लोग अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे फ्रेंड्स तो हम लोग अभी बहुत ही जल्द सोच रहे हैं चैनल को ही फ्रेंड्स हम लोग जो है वो क्लोज कर दें, क्योंकि उतना आउटकम नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स इस चैनल से, तो इतना हार्डवर्क करके फिर कोई फ़ायदा नहीं। और क्योंकि 7 PM चैनल फ्रेंड्स डेली का कोई ना कोई इंडियन लिकर का रिव्यू आप लोगों को मिल जाने वाला है, जो एक फ्रेंड्स बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है जिसको हम लोगों ने पॉसिबल बना दिया है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक आर वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में 7 PM के। टिल देन फ्रेंड्स चीयर्स।